आज पवन सिंह का एक और गाना रिलीज़ हुआ और ये गाना काफ़ी दिन से बात चल रही थी कि ये गाना रिलीज़ होने वाला है, इसका काफ़ी भौकाल भी बनाया गया। तो आइए जानते हैं जिस तरह का भौकाल बनाया गया, क्या ये गाना पूरी तरह से उसी तरह है या फिर इसमें कुछ है 19 और कुछ है 20। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं इस गाने में क्या अच्छा है और क्या है बुरा, यानी क्या है थम्स अप और क्या है थम्स डाउन। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं दुबई के लोकेशन की। तो भाई यहाँ थोड़ी हाथ में निराशा लगती है, दुबई के कई और लोकेशंस को यूज़ किया जा सकता था, लेकिन पवन सिंह के इस गाने में आपको दुबई का सिर्फ एक ही लोकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप बुर्ज खलीफा को भी इसमें इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन गाने के मेकर्स ने वहाँ तक जाना सही नहीं समझा। गाना बहुत बेहतरीन है और गाना हिंदी में है, ये भोजपुरी गाना तो है ही नहीं। तो आपको ये भी बता दें कि पवन के इर्द गिर्द जितनी लड़कियां डांस कर रही हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं और पवन सिंह भी उसमें काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के इर्द गिर्द जो लड़के हैं भाई कुछ ओवरवेट हैं। ओवरवेट आप ये समझ सकते हैं कि वो पवन के ताल से ताल तक नहीं मिला पा रहे हैं। और आपको बता दें कि यशी फिल्म के बैनर तले कोई भी फिल्म बने या गाना बने वो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी लार्ज स्केल पर बनता है। डायरेक्टर महोदय ने इसे समझने में बहुत ही देरी कर दी और इस गाने को और भी बेहतरीन ढंग से फिल्माया जा सकता था। सलमान खान के 90s के कई ऐसे गाने हैं जहां वो फॉरेनर के इर्द गिर्द घूमते हैं, उस ट्रिक को भी अगर यहाँ यूज़ किया गया होता तो सलमान खान और पवन सिंह में 19-20 का भी फ़र्क नहीं रह जाता। वैसे तो भोजपुरी का सलमान खान पवन सिंह को ही कहा जाता है और ये गाना देखने के बाद कोई भी समझ जाएगा कि इस गाने में भाई पवन सिंह ने हूबहू कॉपी की है सलमान खान की। अब बात कर लेते हैं गानों की। तो गानों का लिरिक्स लिखा है आज़ाद सिंह ने, जो कि पवन सिंह के फेवरेट हैं। आपको ये बता दें कि गाना काफ़ी अच्छा है और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप इस चीज़ को 5 में से 3 स्टार दे सकते हैं बिकॉज ऑफ पवन सिंह, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मामला सही हो ही जाता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।